हेलो किचन क्वींस एंड किंग्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल चीना इन द किचन में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं आज की रेसिपी। आज मैं फिर से लेकर आ गई हूँ बहुत ही झटपट बनने वाली बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ गैस पर मैंने एक पैन रख लिया है और इसमें डाल दिया है एक टीस्पून घी। घी या ऑयल कुछ भी यूज़ कर सकते हैं आप। तो हमारा घी यहाँ पर गर्म हो चुका है और इसमें अब हम डाल रहे हैं एक टीस्पून बारीक कटा हुआ अदरक और साथ ही में डाल देंगे एक टीस्पून बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अदरक और हरी मिर्च को हम हाई फ्लेम पर ही सिर्फ 5 से 10 सेकेंड्स के लिए सौते कर लेंगे और अब हम इसमें डाल रहे हैं 1/4 कप या फिर एक छोटा प्याज बारीक कटा हुआ। और प्याज को भी हम सिर्फ 10 से 15 सेकेंड्स तक हाई फ्लेम पर ही सौते कर लेंगे। प्याज को हमें ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का क्रंची ही रखना है। तो उसके लिए हमें 10 से 15 सेकेंड्स तक हाई फ्लेम पर सौते करना होगा। तो प्याज को बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही झटपट और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनती है ये रेसिपी, तो आप इसको कभी भी ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल टाइम नहीं लगता है इसको बनाने में। तो प्याज को सौते करने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक उबला हुआ आलू, जिसको मैंने मैश करके रखा था। लगभग 1/2 कप उबला हुआ आलू है ये। तो आलू को भी हम प्याज के साथ अच्छे से एक बार मिक्स कर लेते हैं और अब हम इसमें डालेंगे कुछ सूखे मसाले। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया है 1 टीस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लें। साथ ही में मैं डाल रही हूँ सिर्फ 2 से 3 पिंच लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि हमने पहले हरी मिर्च यूज़ की है तो थोड़ी सी लाल मिर्च मैंने यहाँ पर डाली है। 1/4 टीस्पून धनिया पाउडर, 2 से 3 पिंच हल्दी पाउडर और 2 से 3 पिंच ही गरम मसाला भी यहाँ पर डाल देते हैं। और लास्ट में हम इसमें डाल रहे हैं अमचूर या फिर ड्राई मैंगो पाउडर। तो मैंने यहाँ पर 1/2 टीस्पून ड्राई मैंगो पाउडर यूज़ किया है। अगर आपके पास अमचूर नहीं है तो इसकी जगह आप 1 टीस्पून नींबू का रस भी यूज़ कर सकते हैं। और बस अब हम सब चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करते हुए हम सिर्फ 2 से 3 मिनट तक मसाले को अच्छे से भून लेंगे। और ये मसाला हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। फ्लेम मैंने अभी ऑफ कर दिया है, तो इसको अभी हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और फ्लेम मैंने फिर से ऑन कर लिया है और अब सेम पैन को हम थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे दोबारा से। और एक ब्रेड स्लाइस को हम टोस्ट कर रहे हैं यहाँ पर, तो ब्रेड स्लाइस को हम दोनों तरफ से क्रिस्पी कर लेंगे एक बार। यहाँ पर मैं वाइट ब्रेड यूज़ कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो ब्राउन ब्रेड या मल्टीग्रेन ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं, वो हेल्दियर ऑप्शन हो जाएगा। फ्लेम हमने लो रखा है और अब हम ब्रेड को पलट लेते हैं और आप देख सकते हैं इस तरफ से ब्रेड हमारी क्रिस्पी हो चुकी है। तो अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ लगभग 1 चम्मच जितना टमेटो केचप। आप टमेटो केचप की जगह अगर आपके पास घर में धनिया की चटनी बनी हुई रखी है तो वो यूज़ कर सकते हैं। धनिया की चटनी का फ्लेवर और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। तो टमेटो केचप को हम चम्मच से इस तरह फैला देते हैं ब्रेड स्लाइस पर। और अब जो हमने आलू का मिक्सचर बनाकर रखा है, लगभग 2 से 3 टेबलस्पून मिक्सचर हम ब्रेड स्लाइस के ऊपर अच्छे से फैला देंगे और हल्का हल्का प्रेस कर देंगे, जिससे कि जो आलू हैं वो ब्रेड के ऊपर स्टिक हो जाएं। क्योंकि अभी हम इस ब्रेड को पलट करके भी सेकेंगे तो अच्छे से हम स्टिक कर देंगे प्रेस करके, जिससे कि जब हम इसको पलटें तो आलू ब्रेड से अलग नहीं हो। और अब हम ब्रेड स्लाइस को पलट करके इस तरफ से भी हल्का सा सेक लेंगे। सिर्फ 1/2 से 1 मिनट तक सेकना है, बहुत ज़्यादा सेकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आलू हमने पहले से ही कुक करके रखे हैं। जो आलू का मसाला है वो पहले से ही पका हुआ है। और हमारा ये टोस्ट दोनों तरफ से अब अच्छे से सेक गया है, आप देख सकते हैं। तो इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं हम गर्मा गर्म। और अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा भुजिया, सेब या कोई भी नमकीन जो आपके पास अवेलेबल हो उसको इस तरह स्प्रिंकल कर देंगे। थोड़ा सा धनिया डाल देंगे कटा हुआ
और बस ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार और सबसे अच्छी बात है बहुत ही आसान रेसिपी है ये। जल्दी से अपने घर में ट्राई कीजिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ऐसी और इजी टेस्टी क्विक रेसिपीज़ के लिए आप मेरे चैनल को विज़िट कर सकते हैं, वहाँ आपको और भी बहुत सारी ईजी रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए जिससे कि आपके पास मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन या मैसेज पहुँच सके।